साथियों, अभी मैं जखारे पर कुसुमरता कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में ओनर है मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी जी। वैसे तो आप क्षेत्र के लोग परिचित हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ना ही आपको परिचय की आवश्यकता है। बस ये परिचय मेरे जो बाहर से व्यूअर हैं उनके लिए है। भाई साहब, अगर मैं बात करूँ तो अपने कोल्ड की क्षमता कितनी है? 1,18,000 क्विंटल की कैपेसिटी हमारे इस कोल्ड स्टोरेज की है। पर पैकेट के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो पैकेट से रखें तो लगभग 2,30,000 पैकेट की कैपेसिटी। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज की। तो इस बार तो हर जगह भंडारा पूरा हुआ था। हाँ, पूर्ण भंडारण था। अभी तक की निकासी की स्थिति क्या है? अभी तक लगभग 40% निकासी हुई है। 40% 40% तो अभी तक का जो समय अब अक्टूबर स्टार्ट होगा उसको देखते हुए काफी कम है ये तो। हाँ, काफी कम है इस बार। वैसे लगभग प्रत्येक वर्ष 65,000 से 70,000 बोरी तक बीज में जो किसान बीज बोते हैं तो वो बोरी निकलती है जी। तो अभी काफी जो बिकने वाला जो माल है जो मंडियों में जाना है वो संख्या भी काफी है। अच्छा, ये जो बचा हुआ 60% है इसमें से मैं बीज की निकासी कितनी मानूं? बीज की निकासी मान के चले 60 में या हाँ। इन ओवरऑल तो लगभग मान के चले आप 25% आलू टोटल कैपेसिटी जो है उसमें 25% कैपेसिटी आलू की बीज में जाती है। बीज में जाती है। हाँ, उसके बाद 75% जो बचता है वो आलू मंडी में बिकने के लिए जाता है। तो जिसमें से लगभग जो 75% जाता है उसमें से 40% निकला जा चुका। लगभग 30-35% अभी आलू बिक्री टोटल कैपेसिटी का अभी बिक्री के लिए बाकी है। अभी के अगर मैं भाव की बात करूँ 2-4 दिन के सौदों की तो क्या रेट के सौदे हैं? देखिए, आलू सब्जी है जी, तो सब्जी है इसलिए इसका कोई रेट फिक्स नहीं है। क्वालिटी के हिसाब से, आलू की वैरायटियों के हिसाब से बिकता है। अब आलू में साइज ही होता है 3 तरीके का। एक छोटी सी साइज किर्री कही जाती है, गुल्ला कहा जाता है और एक छट्टा कहा जाता है। तो वो कैटेगरी के हिसाब से हो गया। फिर उसके बाद वैरायटी, वैरायटियों में सबसे अच्छी जो कीमत है आलू की वो 37-97 जैसे खुफरी बाहर कहते हैं उस वैरायटी की डिमांड अच्छी है और उसका रेट भी सबसे ज्यादा है। एक आलू खुफरी लबकार है, वैसे तो उसको लॉकर के नाम से यहाँ सब किसान जानते हैं, उसके भी रेट अच्छा है। अच्छा, लॉकर का और 37-97 का जी क्या अभी रेट होगा? लगभग 600 रुपए पैकेट इस समय मंडी से जो अच्छे आलू है, अच्छी क्वालिटी के आलू हैं वो 37-97 और लॉकर इनके बिक्री हो रही है। अच्छे आलू की 600 रुपए पैकेट के, 1,200-1,250 क्विंटल। बाकी तो आप जैसे छोटा सा आलू है किर्री वाला तो वो 100 रुपए से 150 रुपए की रेंज में। वो तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी और कैटेगरी के ऊपर। कुल मिला के बात की कीमत 200 से 300 रुपए की है। कुल मिला के बात भी है कि इस वर्ष किसानों को केवल बढ़िया आलू का ही रेट मिला है, अन्यथा नहीं। वो तो इस वर्ष नहीं, प्रत्येक वर्ष का है। अच्छी क्वालिटी होती है तो उसका रेट हमेशा अच्छा मिलता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो उसका रेट कभी अच्छा नहीं मिलता। अन्य वर्षों में ये था कि थोड़ा क्वालिटी हल्की होती थी, कम से कम लागत के आसपास तो पहुंच जाता था। अभी यह है कि इस वर्ष तो बढ़िया क्वालिटी का ही लागत के आसपास का रेट मिल पा रहा है, उतनी ही लागत है उतना ही उसका आसपास का रेट आ रहा है उसे। हाँ, वो तो देखिए किसानी है, खेती है और भाव है। भाव अच्छा होता है तो अच्छे पैसे बचते हैं, भाव कम होता है तो पैसे काश्तकार को कम बचते हैं। अच्छा, कुल मिला के थोड़ा सा ये और मैं पूछना चाहूंगा कि जो बचे आपका आलू है बीज का निकालने के बाद भी करीब 35% आलू बच रहा है, तो ये कब तक उम्मीद आप रखते हैं कि ये निकासी पूरी हो जाए? 30 नवंबर तक निकासी हो जाएगी, थोड़ा बहुत भले बचे उसको 10-12 दिसंबर तक हम लोग निकाल देते हैं। 30 नवंबर तक हम लोग आलू को स्टोर करते हैं तो और 30 नवंबर तक आलू निकल जाता है। अभी तो अक्टूबर की शुरुआत है, अक्टूबर नवंबर 2 माह में आलू निकल जाएगा। कोल्ड स्टोर हमारा यही नहीं है, मतलब सुमलता एंड सन्स फूड प्रिजर्वेशन के नाम से जखारा बिल्टीगढ़ के पास ही है, मक्खनपुर पर स्थित है। दूसरा हमारा पुराना कोल्ड स्टोर जैसे हम 2004 से चला रहे हैं वो शिकोहाबाद में एटा रोड पे है। अच्छा अच्छा, केपी सिंह एंड सन्स कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ भी मैं एक बार आने की कोशिश करूंगा, वहाँ भी वहाँ की स्थिति भी जैसी ये है ऐसी स्थिति वहाँ। अच्छा, जैसे आप उधर एटा रोड पर सुकाबाद में बैठे हैं तो मैं अगर बात करूँ एटा और मैनपुरी की, वहाँ की ओवरऑल निकासी की क्या स्थितियाँ होंगी? एक्चुअल में एटा और मैनपुरी में स्टोरेज कैपेसिटी कम है और क्वालिटी वाइज थोड़ी सी क्वालिटी इस जनपद में अच्छी है। एटा और मैनपुरी में क्वालिटी वाइज आलू भी हल्का रहता है, फर्रुखाबाद और हल्का रहता है। और आप फिर थोड़ा सा आगरा की तरफ बढ़े तो क्वालिटी और वहाँ तो और इम्प्रूव हो जाती है। बात करें इंदौर की आप तो वहाँ प्रोसेस्ड वेराइटियाँ ही हो रही हैं मैक्सिमम।
टेबल पोटैटो कम हो रहा है इन इलाकों में। सब ये टेबल पोटैटो जो खाने में इस्तेमाल होता है, प्रोसेस्ड वेराइटियाँ तो बहुत कम हो रही हैं। जी जी, प्रोसेस्ड वेराइटियों का चलन स्टार्ट हो जाएगा तो काश्तकार को लाभ ज़्यादा होगा। बिल्कुल। साथियों, अभी मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में खैरगढ़ से मक्खनपुर रोड पर बिल्टीगढ़ है और वहाँ पर ये मक्खनपुर कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ हूँ। मेरे साथ में कोल्ड ओनर रामवीर जी हैं, साथ में मैनेजर साहब अतुल जी हैं और अरविंद जी हैं। तो आज अतुल जी से थोड़ी जानकारी लेंगे कि उनके फिरोजाबाद क्षेत्र में या बिल्टीगढ़ क्षेत्र, मक्खनपुर क्षेत्र के आसपास की बात करूँ तो किस तरह की निकासी है, किस तरह के सौदे वगैरह हैं आलू के। अतुल जी, अगर मैं बात करूं तो आपकी कोल्ड स्टोरेज की जो क्षमता है करीब कितनी है? हमारे कोल्ड स्टोरेज की क्षमता समथिंग मान के चलो 2 लाख पैकेट का। 2 लाख पैकेट का? 2 लाख पैकेट का। इस बार तो भंडारण तो पूरा रहा होगा? हाँ, पूरा रहा है, फुल हो गया था। और अगर मैं बात करूँ तो अभी तक की निकासी की स्थिति क्या है? अभी तक मान के चलो आप 62% के आसपास, 60% तक, 60% के आसपास की निकासी है। अब जो 40% आपका बचा, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो बीज का करीब करीब कितना होगा? 15 से 20% तक बीज होगा। 15 से 20%, मतलब 20-22% की निकासी और अभी आपको करनी है। बिल्कुल। और ये बीज की निकासी आपके यहाँ कब से शुरुआत हो जाती है? 15 अक्टूबर से। वो अक्टूबर लास्ट तक खत्म हो जाता होगा बीज निकासी? 15 अक्टूबर से समथिंग मान के चलो 1 महीने बीज की निकासी होती है। 25 दिन तक निकासी रहती है बीज की, मतलब नवंबर के शुरुआत तक। 10 नवंबर तक क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और आप कोल्ड कब तक चलाते हो करीब करीब? 30 नवंबर तक। तो ये बची हुई क्वांटिटी आपकी 30 नवंबर तक लगता है आपको पूरी कंप्लीट हो जाएगी? मतलब निकासी को लेकर बहुत ज्यादा समस्या नहीं है? नहीं नहीं, निकासी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी? आसानी से तो नहीं होगी, निकासी नहीं होगी, रुक जाएगा ये। अच्छा, अभी रेट डाउन हो रहा है, अभी निकासी भरपूर नहीं है। जो हम पहले जो माल निकाल चुके ना मई जून अप्रैल में, हाँ, उस वजह से हमारा एवरेज सही निकला है। अभी ये अगस्त सितंबर में निकासी हमारी ना के बराबर हो रही है। अच्छा, अगस्त सितंबर में निकासी रुका है ना? अच्छा, अभी आगे रेट डाउन हो गए? रेट डाउन हो गया तो रुकेगा आलू। ओपनिंग में अच्छी निकासी की थी। अच्छा अच्छा, अभी की बात करूँ तो अभी क्या स्थिति चल रही है भाव की? अभी इस समय 37-37 बढ़िया आलू 600 रुपए से 625 रुपए तक चल रहा है। हाइब्रिड 400 रुपए से 450 चल रहा है। अच्छा, खुला 300-270 चल रहा है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ और जिन क्षेत्रों में जा रहा हूँ तो एक नंबर आलू के लिए तो कोई समस्या नहीं दिख रही, ना तो रेट की समस्या, ना तो रेट की समस्या दिख रही, ना ही अन्य चीजों की समस्या दिख रही एक नंबर के लिए। लेकिन हमारे पास एक नंबर की क्वांटिटी चाहे कहीं भी चले जाओ, बहुत कम मात्रा में जो आलू फस रहा है उसके नीचे वाला फस रहा है। जो नीचे वाला हाइब्रिड आलू है ना, हाँ, वो सब रुकेगा आलू, तो वही चीज लोट वो ही रुक रहे हैं बस। उसका रेट क्या चल रहा है अभी? वो इस समय 400 रुपए, 350 से 400 रुपए का पैकेट का। जी, आपके यहाँ पे पैकेट के सौदे हैं, पैकेट का रेट चल रहा है जी। तो उसमें कुछ समस्या आती हुई दिख रही है कि उसमें किसान जब 300 रुपए से डाउन हो जाएगा ना तो किसान आना बंद कर देता है कोल्ड में। अच्छा, किसान को बुलवाया जा रहा है, नोटिस भेजा जाएगा उसको, यानी कि अक्टूबर के लास्ट में नोटिस देना शुरू कर देंगे नवंबर में। किसान नहीं आए, किसान को घर से बुलवा करके तब निकासी होगी उसकी, जो दागी माल है ना। मलकपुर में लागी है कि जो 2 नंबर का या थोड़ा हल्का माल है उसकी निकासी में उसकी निकासी नहीं है, समस्या है उसकी निकासी में समस्या आएगी जी। कुछ दिनों से मार्केट थोड़े टाइट है, तो आपके यहाँ भी सौदों में कुछ सुधार हुआ है? नहीं, वही 10-20 रुपए का सुधार है बस, ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं है, अच्छे माल का अभी भी बिक रहा है, अच्छा माल, अच्छे माल की। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अच्छे माल की तो कोई समस्या दिख ही नहीं रही कहीं। हाइब्रिड माल है उनकी दिक्कत है, हाइब्रिड की दिक्कत ज्यादा है। और हाइब्रिड यहाँ पे समझ लो आप 70% हाइब्रिड आलू है। मतलब फिरोजाबाद बेल्ट की बात करूँ या मक्खनपुर बेल्ट की बता रहा हूँ? मक्खनपुर बेल्ट में सबसे ज्यादा हाइब्रिड है, सबसे ज्यादा हाइब्रिड हाइब्रिड है। गुल्ले की स्थिति क्या चल रही है? गुल्ले की स्थिति ज्यादा खराब है। अच्छा, 250 रुपए से 300 रुपए का है, अच्छा गुल्ला, अच्छा गुल्ला जी। तो गुल्ला और किर्री, कोई किसी बार कोई डिमांड आई नहीं। जो बीजा जाता था ना इस टाइम, बीज के लिए बाहर कन्नौज फरक्काबाद जाता था, उसमें से अभी कोई भी व्यापारी लेने नहीं आया, किर्री की डिमांड ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, डिमांड नहीं, तो किर्री तो ये सब लोग भाड़े में ही चले जाए, वो भी बहुत है। अच्छा, बीज का छोड़ के जो 20-22% आपके पास आलू बचेगा जी, उसमें गुल्ले की मात्रा कितनी होगी आपके पास? गुल्ले की मात्रा होगी हमारे यहाँ पे ये समझो आप 15%। मतलब ये मान लो गुल्ला ही गुल्ला आपको, गुल्ला ही रह गया है, छट्टा आलू नहीं है। छट्टा आलू भी मुश्किल से 10,000 पैकेट होगा हमारे यहाँ। अच्छा, छट्टा निकल चुका, सारा निकल चुका।
गुल्ले की डिमांड नहीं और गुल्ला ही आपके पास बचा है। 15,000 गुल्ला होगा और 10,000 होगा छट्टा, बाकी 25,000 और गुल्ला हमारे पास बीज का गुल्ला होगा 35,000, वो हमारा निकल ही जाएगा। वो बीज का तो निकल ही जाएगा, बीज वाली समस्या है ही नहीं। 8,000 रुपए की होगी किर्री की, किर्री तो किर्री की समस्या, पूछ ही नहीं रहा है, किर्री को पूछ ही नहीं रहा। जब गुल्ला इतना डाउन हो तो किर्री कौन लेगा, बिल्कुल समस्या है ना। जो हमारा रेंट होता है उस रेंट में भी नहीं ले रहा है किर्री को। साथियों देख लो ये स्थिति है अभी यहाँ मकरनपुर क्षेत्र की। मेरे साथ में जावेद खान जी हैं। कितने आलू थे आपके पास इस साल? 20 बीघा। कितने पैकेट निकले? 1,000। 1,000 पैकेट, तो 1,000 पैकेट का रेट के बेच रहे, बेचेंगे ना बेचे भाई कछु? कुछ पड़े हैं, गुल्ला पड़ा है और बड़ा बिक गया 625 का पैकेट का। गुल्ला कितना बचा है? गुल्ला है 400-500 पैकेट होंगे। चलो आधे आधे पैकेट है, आधे चट्टा निकलो, आधा गुल्ला, का ज्यादा वो 300-400 पैकेट होंगे। हाँ। तो गुल्ला में बीज को हो जाए? हाँ, 100-150 पैकेट बीज, 100-150 पैकेट है। जासाल कितना कर रहे हो फिर आलू? बिक तो ही करेंगे भाई, 20 बीघे ही करोगे। तो जासाल तो गड्ढा बराबर ही है भाई, हो गए गड्ढा बराबर ही भाव, ऐसा तो ना है नीचे नीचे जा रहे हो कछु? नीचे जाएंगे पैसा कहीं लौट रहे ना, कहीं भाई ना मिल रहा, गड्ढा बराबर करे मुश्किल है रहा। हाँ मुश्किल है रहा।